नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। ब्रेकिंग शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज से ही त्रिपुरा में चुनाव अभियान की शुरुआत करने रही है और इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कहा है कि नड्डा पहली सभा में उन्नाकोटी जिले के कुमारघाट और साथ ही उसके बाद ही गोमती जिले के अमरपुर में संबोधित करेंगे। राज्य के 35 अन्य रैली भी निकाली जाएगी और इसका नेतृत्व केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर मंत्री करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शनिवार को रैलियों में हिस्सा लेंगे। और साथ ही बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय नड्डा जो है इस दौरान अमरपुर से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद से सार्वजनिक रैलियां करते हुए नड्डा आगामी चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति में अंतिम रूप देते हुए नजर आएंगे। राज्य के शीर्ष नेताओं की बैठक भी की जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी शीर्ष के नेता बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 से 8 फरवरी को 2 दिवसीय प्रचार अभियान के लिए यहां पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 फरवरी को रैलियों को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 चरणों में यात्रा के दौरान पश्चिम और साथ ही दक्षिण त्रिपुरा जिले में कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। शाह अपने त्रिपुरा दौरे के 3 चरणों में 10 रैलियों और साथ ही रोड शो को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं बात करेंगे अब आगरा की, जहां पर शाहगंज थाना क्षेत्र के बता दें कि स्टाम्प वेंडर से 10 लाख रुपए को लेकर भागने का ये मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 18 जनवरी के तहसील परिसर में चोरी हुई थी, जिसके बाद से पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 84,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 18/1/2023 को मुश्ताक नामक वादी के द्वारा तहरीर दी गई कि उसका जो वहां पर बैठने का स्थान है वहां से 10 लाख रुपए की चोरी हो गई है। पुलिस इस मुकदमे की छानबीन में जुटी और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा देखकर सुराग दर सुराग इकट्ठा किया और उसके आधार पर यह खुलासा किया गया है। जैसे वो जिस ऑटो से बैठकर भागे थे उसको पूरा ट्रैक किया गया और उसके बाद 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए उनका नाम है विशाल गोस्वामी उर्फ ज्वाला पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र और दूसरा शिवम गोस्वामी उर्फ खली पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र। ये दोनों अपने में भाई हैं। हरदोई शहर के बाद पाली में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा करने के लिए हाथ पांव मार रही पुलिस तब सलन से रह गई जब एक बार बाद फिर आंखों में मिर्च झोंक कर ताबड़तोड़ 2 अन्य चेन स्नैचिंग की वारदातें सामने आई है। पहली वारदात में बाइक से रिश्तेदारी में जा रही पति पत्नी और उनकी बुजुर्ग माँ को बाइकर्स गैंग ने अपना निशाना बनाया है, तो वही पैदल बाजार से घर लौट रही महिला के साथ भी उसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दोनों वारदात में कुंडल और बता दें कि झाले खींचने और महिलाओं के कान फटते हुए नजर आए हैं। इसके पता होते ही एसपी राजवेश द्विवेदी सीओ हरपालपुर सत्येंद्र कुमार सिंह के अलावा क्राइम ब्रांच और बेहटा गोकुल साथ ही बता दें कि लोनार पुलिस जांच में जुटी हुई है। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। 2 थाना क्षेत्रों में ये बेहटा गोकुल और लोनार में कुछ अवधि के बीच में एक बाइक पर सवार कुछ व्यक्ति एक जगह 3 में रहे और एक जगह 2 रहे, उनके द्वारा 2 महिलाओं से उनके बाले छीन करके वो फरार हो गए हैं। ऐसा अभी तक की पड़ताल से पता लग रहा है कि ये एक ही ग्रुप था। इसके संबंध में सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं, अभियोग पंजीकृत किया गया है और शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरदोई से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरीके से ये चेन स्नैचिंग के 2 वारदात सामने आई थी, इस तरीके की और भी कई वारदातें हरदोई में बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्रशासन अब इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? क्योंकि ये वारदातें चेन स्नैचिंग की वारदातें दिन प्रतिदिन हरदोई में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, ये पूरा मामला जो है हरदोई जिले के 2 थाना क्षेत्रों का है।
जहां एक जो है लोनार थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ मिर्च आंख में झोंक के और उसके कुंडल नोचे गए हैं, और इसी तरीके से बेटा गुगुल थाना क्षेत्र में जो एक महिला से मिर्च आंख में झोंक कर और फिर उसके कुंडल नोचे गए, जबकि इससे पहले भी एक पाली थाना क्षेत्र में इसी तरीके से घटना हो चुकी है, और उसके बाद हरदोई शहर में भी इसी तरीके की एक घटना हो चुकी है जो महिला से चैन छीन के आरोपी फरार हो गए। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो हर जगह गश्त बढ़ा चुकी है और चेकिंग भी कर रही है। जी मोहम्मद आसिफ, पुलिस दावे तो काफी करते हैं, लेकिन अगर दावे इतने ही सटीक है तो इस तरीके की वारदात सामने ही ना आए, यह कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही है। इस तरीके की दो चेन स्नैचिंग की वारदातें हो गई और भी हरदोई में ऐसी वारदातें शामिल होती रहती है, पुलिस कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती है? इसके पीछे जो गैंग है उसको पकड़ने में पुलिस को सफलता क्यों हासिल नहीं होती है जिसकी वजह से इस तरह की वारदातें शामिल होती है? पुलिस से आपकी बातचीत होगी, प्रशासन से, प्रशासन का क्या कुछ कहना है, गैंग का कब तक खुलासा किया जाएगा? क्योंकि इस तरीके जिस चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है दो, इसमें गैंग का शामिल होना भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। जी बात हमारी हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्दी खुलासा किया जाएगा, हालांकि हम लोग खुलासे के नजदीक पहुंच चुके हैं, टीम काम कर रही है और जैसे ही होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये खबर हरदोई की जहां पर चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई थी। उन्नाव पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब चेकिंग के दौरान दो कुंटल से अधिक के लाखों की कीमत की भांग के साथ दो तस्कर को धर दबोचा गया। वहीं पकड़े गए तस्करों के पास से थार सहित बता दी कि 14 बोरे अवैध भांग बरामद हुई है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अन्य संबंधित थाने में क्राइम हिस्ट्री खंगालने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। बता दें कि उन्नाव जनपद के दही थाना क्षेत्र के पूर्वा मोड़ के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक लाल कलर की थार कार को और साथ ही संदिग्ध हालत में दिखाई दी, जिसके बाद से पुलिस ने गाड़ी को रोक कर पूछताछ की है और आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बीती रात थाना प्रभारी दही अपने फोर्स के साथ पूर्वा मोड़ पे चेकिंग कर रहे थे, उसी बीच एक लाल रंग की थार गाड़ी जाती हुई दिखी, उसको रोका गया। रोकने पर उनमें 2 क्विंटल 64 kg 48 ग्राम भांग मिला। दो व्यक्ति मिले हैं, इनके पास कोई लीगल दस्तावेज नहीं था, ये अवैध भांग ले जा करके अपना अवैध बेचते थे। इनको मैं भांग दो अभियुक्त थार बरामद किया गया है। अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। आगे अन्य भी जाँच की जा रही है इनके संबंध में। बिजनौर में स्कूली छात्र के अपहरण का प्रयास किया गया है। बता दें कि दिन दहाड़े अपहरण के प्रयास किए गए हैं। जानकारी के अनुसार बाइक सवार दो बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, जिसके बाद से स्कूली छात्र ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई है। थाना हिमपुर दीपा के दयानंद जनता इंटर कॉलेज का छात्र है और बता दें कि पिंतन औधा उफ मैदूद का निवासी ओसामा बताया जा रहा है। बिजनौर के थाना हल्दौर के नवादा इलाके में डीजे को लेकर दो युवकों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद से युवक के सिर पर ताबड़तोड़ वार की गई और इस दौरान पुलिस ने आरोपी को हत्या का केस दर्ज कर लिया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शासन के आदेश अनुसार संभागीय परिवहन विभाग झांसी द्वारा 5 जनवरी से 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह 2023 का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से सड़क सुरक्षा की शपथ लेते हुए यह विश्वास पे दिलाया है कि हम सभी लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन स्वयं करेंगे और सभी को जागरूक भी करेंगे। पुलिस अतिथि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एसके अग्रवाल ने कहा है कि हम चालान के भय से नहीं बल्कि अपना और अपने परिवार का जीवन बचाने के लिए हेलमेट का प्रयोग अवश्य करेंगे। कहा कि आप अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे रेडियम की पट्टी अवश्य लगाएं ताकि दुर्घटना होने से बचाया जा सके।
वहीं रायबरेली में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने 27.5 लाख की बता दी कि स्टाम्प चोरी पकड़ी गई है। तीन अलग बेनामों को 23,52,960 रुपए के स्टाम्प चोरी की गई थी। दरअसल जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने अपने ही न्यायालय में विचाराधीन स्टाफ वादों का स्थलीय निरीक्षण किया है और इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा ग्राम डिडौली की भूमि घाटा संख्या 573 अहमद रजवा द्वारा क्रय किया गया था। उक्त क्रय की गई भूमि में प्रचलित स्टाम्प वाद के पूर्व में प्रश्नित जांच और साथ ही 17,68,200 के और साथ ही निबंधन शुल्क 2,48,380 की भी पाई गई है। कोर्ट केसेस और कुछ अन्य कोर्ट केसेस के स्थलीय निरीक्षण हमने किए हैं ताकि उन वादों के संबंध में पूरी वस्तुस्थिति मौके के अनुसार और वहाँ पे संबंधित पक्षकारों के और आसपास के लोगों की स्थिति के अनुसार स्पष्ट हो सके और इससे ये है कि वादों का निस्तारण भी जल्दी हो जाए और सही तरीके से हो जाए, जिसको न्याय मिलना है वो मिले, स्टैम्प अपवंचन जिन केसेस में है उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे हो जाए और सरकार का जो रेवेन्यू का सोर्स है वो सुरक्षित हो। झांसी जनपद के मोट कोतवाली क्षेत्र का है जहां पर बता दें कि मोट कोतवाली जो आए दिन लूट हत्या अवैध गौर धंधों से वजह से चर्चाओं में बना रहता है। कोतवाली में सब्जी मंडी में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोट पुलिस ने पोल खोल कर रख दी है। दरअसल वीडियो है कि अवैध गांजा बिक्री का जहाँ सब्जी मंडी में सब्जी की तरह अवैध गांजा बेचा जा रहा है और इस गांजा माफियाओं को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। धड़ल्ले से बेचा जा रहा गांजा से युवा इसका शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। मौत में युवाओं की तादाद नशे के प्रति बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो काफी संख्या में युवा इसका शिकार हो जाएंगे। फिलहाल वीडियो वायरल हो रहा है लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। आगरा के थाना शमसाबाद क्षेत्र के आगरा रोड में मौजूद महेश एडिबल ऑयल मिल में बताया कि मामला वहां का सामने आया है। दरअसल सेंट्रल जीएसटी के टीम ने सपा के पूर्व राज्य मंत्री की सोलनी फार्म पर छापेमारी की है। कई घंटों तक सीजीएसटी की टीम की छापेमारी चली, जिसके बाद से सीजीएसटी की छापेमारी में कस्बे के कई स्थानों पर दुकानें बंद पाई गई। जांच टीम ने भीतर आवाजाही पर रोक लगा रखी है। पीलीभीत के माधोटांडा थाना क्षेत्र के नाबालिग छात्रा के साथ युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। युवक पर नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप था। युवक को छात्रा के अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। वहीं युवक से परेशान होकर छात्रा ने परिजनों को इस मामले को लेकर आपबीती बताई है। परिजनों ने पुलिस को इस मामले की तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। और बता दें कि पीलीभीत का ये पूरा मामला जहां नाबालिग छात्रा के साथ युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है और इस दौरान उसका कुछ वीडियोस और फोटो भी सोशल मीडिया पर उसने वायरल कर दिया, जिसके बाद से इस पूरे मामले की जानकारी नाबालिग ने अपने परिजनों को दी है। परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को तहरीर दे दी है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रांजल गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रांजल, जिस तरीके से पीलीभीत का ये पूरा मामला सामने आया है, नाबालिग ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, पुलिस का क्या कहना है, कब तक इस युवक की तलाश खत्म हो जाएगी, युवक को ढूंढ कर उसे अरेस्ट किया जाएगा? जी, आपको बताना चाहिए पूरा मामला है गाँव में ये युवक है जिसको आए थे परेशान करता था और उसके साथ जो है गलत दुष्कर्म उसके साथ क्या उसके अश्लील वीडियो भी बना दिए थे और बहुत ब्लैकमेल करता रहा। भाई जब उसने पूरे मामले की जब आप देखिए अपने परिजनों को उसने बताया तो पुलिस ने तहरीर दी गई है। फिलहाल मुकदमा जो है दर्ज कर दिया गया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है और आरोपी को जो जारी कर रही है। प्रांजल, आपकी क्या इस मामले को लेकर इस नाबालिग छात्रा जो है पीड़िता जो है उससे बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है, किस तरीके से ये युवक
उसके साथ इस वारदात को अंजाम देता था और कैसे उसे बहलाया फुसलाया जाता था, क्या शादी की भी कोई बात उस युवक ने कही थी? जो छात्रा है उसके परिजनों से हमारी ये बात की है, उसको कहना है कि आए दिन उसको जो है परेशान करता था, आगे उसका पीछा करता था, उसके बाद पूछ ला करके उसके साथ इस तरीके की घटना पे जो अंजाम उसने दिया है और उसको जो है अश्लील बनाए थे, तो उसको ब्लैकमेल लगातार करता था, तो इसके चलते जो है लगातार घटना को अंजाम देता रहा। तो कहीं ना कहीं जो है छात्रा काफी परेशान थी, जो है पीछा छुड़ाना चाहती थी, देखिए आप पीछे तब जो है पुलिस ने जो है एक्शन लिया गया और पुलिस ने कार्रवाई की गई थी। बिल्कुल प्रांजल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पीलीभीत का ये पूरा मामला जहां पर एक नाबालिग छात्रा के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से छात्रा ने इस पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और युवक को लगातार ढूंढा जा रहा है। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मरोचा तैतार पुल पर गौशाला में मामला सामने आया है, जहां पर सरकार की लाख कोशिश के बाद भी गौकृषि पर लगाव नहीं लग पा रही है। सरकार कर्मचारी और साथी जनप्रतिनिधि के संरक्षण में गौकृषि हो रही है। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर गाय की गौकृषि और गायब कराने का आरोप लगाया जा रहा है। चौकीदार की तहरीर पर बता दें कि पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल मुकदमा दर्ज करने के बाद भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। मोटरसाइकिल के चालान को लेकर थाने गए युवक की थाने में तैनात सिपाहियों ने जमकर धुनाई कर दी है। युवक को हालत गंभीर होते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में स्थित जनसेवा केंद्र में संचालक संजय त्रिवेदी, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, मोटरसाइकिल के 500 रुपए के हुए चालान को लेकर थानाध्यक्ष से बात कराने के लिए थाने गए हुए थे, लेकिन वहां पर थाना अध्यक्ष नहीं मिले तो चालान के बारे में उन्होंने थाने के दो सिपाही से बातचीत शुरू कर दी। सिपाही ने चालान खत्म कराने के लिए 1000 की मांग की, जिसके बाद से वहां पर वाहन स्वामी जो है उसने देने को मना कर दिया, जिसके लेकर दोनों ने कहासुनी हुई है और कहासुनी से नाराज सिपाहियों ने उसके ऊपर चप्पलों से लात घूंसे से पिटाई करनी उसकी शुरू कर दी और थाने के अंदर ही मारपीट की जानकारी जैसे ही कस्बे के लोगों को लगी, पूरे कस्बे में हड़कंप समझ गया। वहीं सिपाहियों की पिटाई की, घायल युवक के चेहरे और बता दें कि चेहरे काफ़ी सूजे हुए पड़े हुए हैं और साथ ही बता दें कि उसको काफ़ी गंभीर चोटें भी आई है। अस्पताल में उसे ले जाया गया है, जाँच उसकी लगातार की जा रही है। इमरजेंसी मेडिकल अफसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। हाँ, संजय कुमार नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, मारपीट का मामला है, जो बछावा से रिफर आया गया है, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है, सर्जन देख रहे हैं। 500 का चालान था जो मेरे साढ़ू जी छुड़वाने गए थे बछावा थाने में, और वहाँ पे 500 के जगह पे 1000 मांगा जा रहा था, जिसमें कहा सुनी हो गई। उसके बाद प्रशासन ने उनको कमरे पे ले जाके इतना ट्वीट किया कि CSC में पूरी तरह से रिफर कर दिए डिस्ट्रिक्ट रायबरेली के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।